हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, आज जो मेरी टॉपिक होगी वह संसद के प्रश्नकाल से लेकर होगा और संसदीय प्रस्ताव को लेकर होगा। आज ये संसद से संबंधित मेरा आखिरी वीडियो होगा, ठीक है? आखिरी वीडियो का मतलब इस संविधान की श्रृंखला में SSC पेट और टेट वाले बच्चों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा ये संविधान का संसद का आखिरी वीडियो हो, ये जो कोर्स है और जो ये श्रृंखला चल रही है संविधान से, उससे संबंधित है। देखिए, आइए आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक संसदीय प्रस्ताव और एक संसदीय प्रश्नकाल, ठीक है? तो पहले हम प्रश्नकाल पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न वन लाइनियर ही पूछा जाता है और प्रस्ताव भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। संसदीय प्रश्नकाल के बारे में अगर देखें तो आपको इसमें कुछ चीज़ याद करना होगा। जैसे प्रश्नकाल में कई तरीके के प्रश्नकाल होते हैं, इन प्रश्नकाल में हम तारांकित प्रश्न क्या होता है ये समझेंगे, और एक होता है अतारांकित प्रश्न, ये क्या होता है ये समझेंगे, और एक होता है पूरक प्रश्न, ये भी है समझते चलिए, और एक होता है प्रश्नकाल का समय। तो प्रश्नकाल का समय, जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल का समय, और एक होता है शून्यकाल का समय, और एक होता है विधायी प्रश्न। तो विधायी प्रश्न से रिलेटेड भी हम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्नकाल आप जानते हैं कहाँ होगा, तो संसद में ही होगा। कब होगा वो जानना जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं तारांकित प्रश्न। ये संसद के सदस्यों के द्वारा मौखिक रूप में होता है। ये संसद के सदस्यों के द्वारा मौखिक रूप में होता है, ये ध्यान में रखिएगा, होता है। और अतारांकित प्रश्न, यह संसद के सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में होता है। यह संसद के सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में प्रश्न होता है, ठीक है? अब पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न का मतलब कि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के स्पष्टीकरण न होने पर दोबारा जो प्रश्न किया जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं प्रश्नकाल का समय। देखिए मित्र, प्रश्नकाल का समय जो होता है वह 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है, और शून्यकाल का जो समय होता है वह 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वह शून्यकाल का समय होता है, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है। क्लियर? यहीं पर आप और नोट कर लीजिएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ। एक होता है भोजन अवकाश काल। तो संसद का भोजन अवकाश काल
अवकाश काल कब से कब होता है? तो भोजन का अवकाश काल का समय 1 से 2 बजे तक ये भोजन का अवकाश काल का समय होता है। ये सारे आप नोट करते जाइए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। इसके बाद देखिए विधायी प्रश्न। देखिए विधायी प्रश्न जो होता है ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल चलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जो विधायी प्रश्नकाल चलता है वो 2 से 6 बजे तक चलता है और राज्यसभा में यही चीज़ 2 से 5 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, ठीक है, 2 से 5 बजे तक। यानी कि विधायी संबंधी जो प्रश्न चर्चा होती है वह लोकसभा में 4 घंटे होती है और राज्यसभा में 3 घंटे होती है, ठीक है। ये थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा, ये टाइम को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्नकाल आते हैं और इसका टाइम कब से कब होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न क्या होता है, शून्यकाल का समय कब से कब होता है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विधायी प्रश्न या लोकसभा कब से कब तक चलती है या भोजन अवकाश कब से कब होता है, इन सारे जैसे बिंदुओं पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो ये प्रश्नकाल समझ में आपको आ गया होगा। आइए अब हम संसदीय प्रस्ताव को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो संसदीय प्रस्ताव में देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। एक प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो विलंबनीय प्रस्ताव, विलंबनीय जिसमें विलंब हो रहा हो, और एक सार्वजनिक हित को लेकर प्रस्ताव आते हैं, सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव और विलंबनीय प्रस्ताव, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब विलंबनीय प्रस्ताव में भी कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। जैसे विलंबनीय प्रस्ताव में अगर देखें उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रस्ताव होते हैं, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानकर्षण प्रस्ताव, ये 2 प्रस्ताव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और सार्वजनिक हित संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं, मूल प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और देखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव, ये प्रस्ताव सार्वजनिक हित के अंतर्गत प्रस्ताव आते हैं। आइए संक्षेप में एक एक प्रस्ताव को हम देखें, ठीक है। देखिए प्रस्ताव में अगर हम पहले चर्चा करें तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये विलंबनीय प्रस्ताव के अंतर्गत पहला प्रस्ताव आता है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए ये प्रस्ताव का मतलब ये होता है, इसमें क्या किया जा रहा है, जब स्थगन प्रस्ताव आता है तो तत्काल संसद सत्र में चल रही बहस को रोक दिया जाता है और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने लगती है। और ऐसे स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा
संसद सत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है, या संसद सत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आइए समझते हैं। तत्काल संसद में चल रही बहस को रोक दिया जाता है और संवेदनशील जैसे मुद्दों पर बहस होना प्रारंभ हो जाता है और लोकसभा के द्वारा इस समय में संसद सत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्थगित कम होता है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन ऐसे कंडीशन में ये स्थगन वाला रूल लागू नहीं होगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि संसद में बहस चल रही हो, किसी टॉपिक पर बहस चल रही हो जो ऑलरेडी विलंबनीय है, जो कार्य लंबे समयों से पड़े हैं, लेकिन एकाएक उसी दरमियान कोई एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ी रेलवे दुर्घटना, कोई बड़े वायु दुर्घटना जैसे घटनाएं हो जाती हैं, तो तत्काल संसद सत्र में चल रहे बहस को रोक दिया जाता है, यानी कि उसको स्थगन कर दिया जाता है और इन जैसे बिंदुओं पर चर्चा होना प्रारंभ हो जाता है कि अब इस पर किस तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए, कार्य लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा होता है जिस पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, लोग नए जख्म का पहले इलाज ढूंढते हैं, पुराने जख्म का नहीं। ठीक है, क्योंकि पुराने जख्म में एंटीबॉडी बन जाती है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में खास तौर उन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, उन बिंदुओं पर जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं हैं, परंतु इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है, अभी तक नहीं निकल पाया है, नहीं निकल पाया है। कहने का मतलब ये, हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो ऑलरेडी हमेशा पहले से दिखाई देते हैं और समय समय पर दिखाई देते हैं, ख़त्म करो फिर दिख जाते हैं, ख़त्म करो फिर दिख जाते हैं, रक्त बीज की तरह। इसका जड़ तोड़ इलाज नहीं किया जाता है, या ऐसी समस्याएं आने ही न पाए ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मुद्दों पर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं, जबकि यह समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। बहुत सारे पुल गिर जाते हैं, ब्रिज गिर जाते हैं, कहीं गर्मियों के समय में हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तो अब ये चीज़ें गंभीरता से कोई नहीं लेता। इस चीज़ को गंभीरता से ली जानी चाहिए, और आज दिन इस तरीके की घटना घटती है, तो घटना घटने से पहले हम सतर्क हो सकते हैं, लेकिन सतर्क ही नहीं हो पाते हैं लोग। तो इसका मतलब कि समस्याओं को गंभीरता के साथ न लेने की वजह से ये समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, जिसकी चर्चा संसद में हमेशा प्रश्न के रूप में उठते रहते हैं, जिसका नाम दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्लियर, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, देखते हैं सार्वजनिक हित के संदर्भ में कुछ प्रस्ताव हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक हित के संदर्भ में जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों में कौन कौन से प्रस्ताव हैं वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ प्रस्ताव निम्न हैं। उन प्रस्तावों में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं। एक है मूल प्रस्ताव,
अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और एक है विश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, और कौन से हैं और देख लेते हैं। एक है धन्यवाद प्रस्ताव और एक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, ये इतने प्रस्ताव हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल प्रस्ताव, ये प्रस्ताव उस समय पेश किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन के अध्यक्ष को हटाया जाना होता है। तो जब दोनों संसद के सदनों को हटाया जाना होता है तो ऐसे स्थिति में यह प्रस्ताव दोनों सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, हमेशा ध्यान रखना, ये प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, ये ध्यान रखना, द्वारा लाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब विश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। किसको? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, ये ध्यान रखना। और लाया कब जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और विपक्षी द्वारा लाया जा सकता है। क्लियर? और अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे अधिक इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्लियर? धन्यवाद प्रस्ताव उस समय लाया जाता है जब चुनाव के बाद लोकसभा की आम बैठक होती है और इस आम बैठक में राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है और राष्ट्रपति इस संबोधित में भाषण देता है और इस भाषण के उपलक्ष्य में वह धन्यवाद देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव ये प्रस्ताव ऊपर लिख दे रहा हूँ या तो इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मूल प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव आप समझ गए होंगे। अब विश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें, विशेषाधिकार के प्रस्ताव बात करें, तो यह प्रस्ताव अगर हम देखेंगे, यह प्रस्ताव किसी मंत्री के गलती व भूल किए जाने पर लाया जाता है। ठीक है, बहुत विशेष इसका महत्व नहीं है जितना महत्व अविश्वास प्रस्ताव का था। कटौती प्रस्ताव, ये जो बजट पेश किया जाता है और इस बजट में जो मंत्रियों के द्वारा अनुदान की मांग की जाती है या जो उन्होंने अपना आय रखा हुआ है उसमें कटौती की जाती है, कटौती के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन इस पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ये ध्यान रखना। कटौती प्रस्ताव पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो ये भी आप ध्यान रखना कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर, ये चीज़ें आप
नोट करिएगा, इस चीज़ को जानने का भी आप प्रयास करिएगा कि मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता, त्याग पत्र देना पड़ता है। दूसरी चीज विश्वास प्रस्ताव देख लेते हैं या निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी किसके द्वारा लाया जाता है, तो निंदा प्रस्ताव विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, विपक्षी पार्टी के द्वारा ही लाया जाता है। और ये विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जा सकता है, ये पूरे मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री पर लाया जा सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री पर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, निंदा की जाती है। और ये निंदा कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उनकी आलोचना के रूप में यहाँ पर निंदा की जाती है। ऐसे स्थिति में ध्यान रखना आप लोग, ऐसे स्थिति में सरकार को विश्वास दिलाने के लिए या बहुमत सिद्ध करने के लिए या बहुमत सिद्ध करने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, क्लियर। अब जरा समझ लेते हैं, निंदा प्रस्ताव कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव का माध्यम बन जाती है, इसलिए निंदा प्रस्ताव आए तो तत्काल विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के आने में देर नहीं लगेगी। और अविश्वास प्रस्ताव आ गया और पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा और लोकसभा का विघटन भी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव खासतर या अविश्वास प्रस्ताव खासतर उस समय लाया जा सकता है जिस समय जो सत्ता पक्ष की सरकार है उन लोगों के आपस में किसी चीज को लेकर एक मत नहीं हो पाता या समन्वय की स्थिति नहीं हो पाती है, तो ऐसे स्थिति में विपक्षी पार्टी को यह लग जाता है कि सत्ता पक्ष में अल्पमत, बहुमत में अल्पमत कहीं ना कहीं प्रकार्यात्मक रूप से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऊपर से एक दिख रहे हैं और अंदर से पूरे तरीके से खोखले हैं, बस हमको एक उत्प्रेरक का काम करना है, बाकी ये विघटित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ध्यान में रखकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इस चीज को ध्यान में रखकर बचाव के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है ये संसदीय व्यवस्था को संतुलन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संसदीय प्रश्नकाल और संसदीय प्रस्ताव आपको समझ में आगे होंगे। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर जल्दी ही उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।